नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन सीरीज में हमारे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, और इनको हम बहुत एज अ रिवीजन हम इनको देखेंगे। एक नज़र में हम इनमें बात करेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान किस किस चीज़ के लिए फेमस हैं, कौन कौन से प्राणी वहाँ पर पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, मैप में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो आपके मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो MPPSC हो या व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आपके लिए उपयोगी होगा। और यहाँ पे जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है आपका, ये है व्हाइट स्पॉटेड डियर। इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। ये व्हाइट स्पॉटेड डियर जो होता है, इसको बोलते हैं चीतल। चीतल, और चीतल वो प्राणी है जो मध्य प्रदेश के लगभग लगभग हर एक नेशनल पार्क में, हर एक राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो यही है आपका चीतल। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मतलब मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं उनका मैप है। हालांकि ये पुराना मैप है, थोड़ा सा नया मैप मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हुआ चलूंगा कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। कुछ तो इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए मैं दूसरा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, टाइगर स्टेट के नाम से जाने जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बाघ, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम रिसेंट रिपोर्ट्स की बात करें, अभी जो हाल में रिपोर्ट आई है, कुछ साल पहले, एक आध साल पहले या 2 साल पहले जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स में जो बाघों की रिपोर्ट आई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट में जो कर्नाटका है वो पहले नंबर पे आ गया है, जिसमें सबसे ज्यादा आपके टाइगर पाए जाते हैं। दूसरा स्टेट है आपका उत्तराखंड, दूसरे नंबर पे यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। और तीसरा स्टेट हो गया है अब मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है अगर हम नंबर ऑफ टाइगर्स की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ टाइगर्स में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर अब खिसक चुका है। पहले स्थान पे था, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ मैं ये तो पॉइंट आपको बता ही दिया कि सर्वाधिक जो जीव पाया जाता है वो चीतल ही है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर जिसमें जो बाघ हैं उनका संरक्षण किया जाता है, तो प्रोजेक्ट टाइगर एक स्पेशल एक अभियान टाइप से चलाया जाता है नेशनल पार्क्स में। तो इसमें अभी तक 6 नेशनल पार्क आपके प्रोजेक्ट टाइगर में है, वो मैं आपको सारे बता देता हूँ। देखिए, एक आपका जो कान्हा किसली है, कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है, कान्हा किसली नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा है जो आपका, वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच नेशनल पार्क, ये भी आपका प्रोजेक्ट टाइगर में है। तीसरा जो है आपका पन्ना नेशनल पार्क है, ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर में है। बांधवगढ़ जो है आपका, बांधवगढ़ आपका आता है उमरिया और कटनी में। तो ये जो नेशनल पार्क है, ये भी आपका प्रोजेक्ट टाइगर में है। इसके बाद हम बात करते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क की, तो ये भी आपका प्रोजेक्ट टाइगर में है। इसके बाद संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय नेशनल पार्क, ये भी आपका प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नेशनल पार्क है। तो ये 6 नेशनल पार्क हैं, संजय, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और सतपुड़ा, जो आपके प्रोजेक्ट टाइगर में। इसके अलावा रायसेन जिले में स्थित है जो आपका राता पानी है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभयारण्य, अभयारण्य, ये रायसेन जिले में है आपका। तो ये इकलौता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या अभयारण्य है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। और कुल मिला के तो अब टोटल अगर प्रोजेक्ट टाइगर की हम मध्य प्रदेश में अगर हम बात करेंगे, तो टोटल हो जाएंगे आपके 6 नेशनल पार्क प्लस 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस तरीके से टोटल हो जाएंगे आपके 7। अगर आपसे सिर्फ नेशनल पार्क पूछा जाता है तो आपको 6 लिखना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जाता है तो आपको 1 लिखना है, और अगर दोनों पूछे जाते हैं तो ही आपको 7 इसको लिखना है। तो ये आपके कुल मिला के थे जो प्रोजेक्ट टाइगर। अब हम वन बाय वन यहाँ पे बात करते हैं हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारा होगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1968 में, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो एरिया है 448.8, मतलब लगभग लगभग 449 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये पूछा मतलब फैला हुआ है। और उमरिया,
ये देखिए आप यहाँ पे उमरिया और कटनी जिले में ये आपका आता है, उमरिया और कटनी जिले में ये पड़ता है। और मुख्य रूप से अगर यहाँ पे हम जो जीव की बात करते हैं या जो जानवर यहाँ पर हैं उनमें मुख्य रूप से आपके बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, सांभर भी एक तरीका एक हिरन ही होता है, और सफेद शेर भी यहाँ पर एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर सफेद शेर पाए जाते हैं। तो सफेद शेरों के लिए भी ये फेमस है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो शेरों का घनत्व है मतलब टाइगर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा टाइगर आपके बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा शेर यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और अगर एरिया वाइज अगर देखा जाए तो हर एक 8 किलोमीटर पर एक शेर यहाँ पर पाया जाता है। और ये मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे इंडिया में सर्वाधिक है, मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा यहाँ पर मतलब पाया जाता है। और एक दो पॉइंट और अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है इसको कान्हा टाइगर रिजर्व से जोड़ने की भी योजना प्रस्तावित है, और इस योजना का जो नाम है उसको मतलब नाम दिया गया है जंगल गलियारा योजना, जंगल गलियारा योजना के नाम से इन दोनों को जोड़ने का भी प्रस्तावित है। मतलब बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा किसली टाइगर रिजर्व इन दोनों को आपस में जोड़ने का भी प्रस्ताव है जो जंगल गलियारा योजना के तहत होगा। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं फॉजिल नेशनल पार्क की। तो जो हमारा फॉजिल नेशनल पार्क है वो है हमारा डिंडोरी में, फॉजिल नेशनल पार्क। और इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें, डिंडोरी में है तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1968 में स्थापना, और इसका जो एरिया है वो है 0.270 स्क्वायर किलोमीटर। तो 0.270 स्क्वायर किलोमीटर मतलब पूरा 1 स्क्वायर किलोमीटर भी ये नहीं है। और डिंडोरी में ये है, इसके अलावा सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये है, और सबसे पहला देखिए फॉसिल, फॉसिल मतलब होते हैं जीवाश्म। तो यहाँ पर मुख्यतः जो वनस्पति जो होती है उसकी जीवाश्म के लिए ये फेमस है, वनस्पति के जीवाश्म के लिए ये फेमस है। एरिया वाइज सबसे छोटा है, और सबसे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कान्हा किसली नेशनल पार्क की या कान्हा किसली टाइगर रिजर्व की। तो कान्हा किसली टाइगर रिजर्व जो है आपका 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, सॉरी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, 1955 1955 में। और अगर एरिया वाइज अगर हम बात करते हैं तो करीब 939.947 मतलब लगभग लगभग 940 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना है तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान तो ही होगा ही होगा, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे पहले इसे ही जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसमें इसको शामिल किया गया था। 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, सबसे पहले इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और यहाँ पे ये आता है आपका, देखिए यहाँ पे अगर हम एरिया वाइज यहाँ पे देखें तो ये देखिए मंडला डिस्ट्रिक्ट में भी आ रहा है, और इसके साथ साथ बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में भी ये आ रहा है। तो बालाघाट में हालांकि इसका एरिया सबसे ज्यादा है और मंडला में उतना ज्यादा एरिया इसका नहीं दिखाई दे रहा है, तो बालाघाट में ज्यादा एरिया ये कवर करता है। और यहाँ पर अगर हम वन्य प्राणियों की बात करते हैं तो देखिए बाघ हुआ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, कृष्ण मृग, बायसन, बारहसिंगा, ये सारे यहाँ पे जीव सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके अलावा अमेरिका का जो नेशनल पार्क सर्विस है उसके सहयोग से, अमेरिका का नेशनल पार्क सर्विस है उसके सहयोग से यहाँ पर पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू भी की गई है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना यहाँ पर लागू की गई है। इसके अलावा जो बारहसिंगा यहाँ पर है वो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है, इकलौता नेशनल पार्क है जहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मौजूद है। और यहाँ पर दो घाटियाँ भी हैं जिनका नाम है हालो घाटी और बंजर घाटी, हालो घाटी और
बंजर घाटी। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो वन्य प्राणी संरक्षण है उसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमारे कान्हा किसली के वो हो जाएंगे आपके। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान आता है हमारा शिवपुरी जिले में। माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसको शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 375 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, 375 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और मुख्य रूप से जो वन्य जीव प्राणी है उनमें तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर, ये सब यहाँ पर, इसके अलावा प्रवासी पक्षी भी, मगरमच्छ भी, ये सब भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ की एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर एक जॉर्ज कैसल नाम का एक भवन भी बना हुआ है, जॉर्ज कैसल नाम का एक भवन बना हुआ है। ये भी एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ही पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा सा ध्यान से जरूर सुने। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क जो है हमारा, ये 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, 1981 में। और इसका जो एरिया है वो है 542.6, मतलब 543 स्क्वायर किलोमीटर लगभग, 543 स्क्वायर किलोमीटर लगभग पन्ना और छतरपुर जिले में ये पड़ता है। देखिए ये आपका यहाँ पे मतलब पन्ना हो जाएगा और थोड़ा छतरपुर का भी एरिया ये कवर करता है, तो पन्ना और छतरपुर जिले में ये पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर प्राणियों की बात करें, वन्य प्राणियों की अगर हम बात करते हैं, तो बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, चिंकारा, भालू आदि ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, पेंच नेशनल पार्क, जो सिवनी डिस्ट्रिक्ट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। देखिए सिवनी में इसका ज्यादातर एरिया है, छिंदवाड़ा में थोड़ा कम एरिया है। और यहाँ इसकी जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, 292.8, मतलब करीब करीब 293 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, मुंजक, हिरण, हिरण में स्पेशली जो कृष्ण मृग हैं, कृष्ण मृग की जो संख्या है वो सब सर्वाधिक है यहाँ पर है। कृष्ण मृग की संख्या पेंच नेशनल पार्क में सर्वाधिक है। और इसका अब नाम चेंज हो गया है, पेंच हालांकि ये पॉपुलर है, चलता है, लेकिन अब इसका नाम हो गया है इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी नेशनल पार्क, मतलब इसे इस नाम से अब जाना जाने लगा, इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान की, और संजय नेशनल पार्क, संजय राष्ट्रीय उद्यान की जो पड़ता है आपका सीधी जिले में, सीधी जिले में ये पड़ता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, 466.66, मतलब 467 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, ये सब यहाँ के प्रमुख वन्य जीव है। और इसका जो पुराना नाम है वो था डुबरी, डुबरी इसका पुराना नाम था, लेकिन अब इसको संजय नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो इतने आपकी संजय नेशनल पार्क के इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क की। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, और 1983 में स्थापना होने के बाद इसका जो एरिया है वो है 528.72, मतलब करीब करीब 529 स्क्वायर किलोमीटर होशंगाबाद जिले में ये पड़ता है। होशंगाबाद जिले में बाघ, तेंदुआ, चीतल, गौर, सांभर, भालू, मुंजक, हिरण, ये सब यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन विहार की। तो वन विहार पड़ता है हमारा भोपाल में, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1979 में स्थापना हुई थी, 4.452, मतलब करीब 4.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। और मध्य प्रदेश के लगभग लगभग सभी वन्य प्राणी इसमें वन विहार नेशनल पार्क में या वन विहार में पाए जाते हैं। और एक और खास बात है यहाँ पे, इसको आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है, आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपका इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क जो है आपका खंडवा जिले में पड़ता है, और ये अभी निर्माणाधीन है, पूरी तरीके से अभी नहीं बना है। और इसमें इसकी जो मतलब स्थापना की गई थी 2004 में स्थापना करी गई थी इसकी, और
293.56 लगभग लगभग 294 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और राज्य के लगभग लगभग सभी मुख्य प्राणी आपको इसमें ओमकारेश्वर नेशनल पार्क में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट फिर हमारा होगा डायनासोर जीवाश्म उद्यान, जो हमारा धार जिले में पड़ता है। धार जिले में डायनासोर जीवाश्म उद्यान, जो मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म उद्यान है। अब देखिए, पहला जो जीवाश्म उद्यान था डिंडोरी में था, और इसमें वनस्पति जीवाश्म रखे हुए हैं। और ये जो सेकंड है, इसमें ये बनाया गया है डायनासोर जीवाश्म के लिए, तो इसमें डायनासोर के जीवाश्म मिलेंगे। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। 89.74 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है और धार जिले में पड़ता है। और दूसरे नंबर का आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। तो अब यहाँ से हमने इतने सारे डिस्कस किए, तो मध्य प्रदेश में कुल मिला के 10 आपके नेशनल पार्क हैं, प्लस एक आपका निर्माणाधीन, तो टोटल हो जाते हैं हमारे 11 नेशनल पार्क, जो इंडिया के किसी भी स्टेट में इतना नंबर नहीं है। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क, और आगे मैं आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बताऊंगा, अभयारण्य बताऊंगा, उसमें भी सबसे ज्यादा आपके हैं, लगभग 30-31 के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मध्य प्रदेश में हैं। तो ये भी मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा है। तो ये थे हमारे सारे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, और शायद मेरे ख्याल से और तो कोई भी नहीं बचा है, सारे हम 11 के 11 डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं मुझे। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस लिंक पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल भी है, और टेलीग्राम पे हमने अब एक ग्रुप भी क्रिएट कर दिया है, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो ये लिंक है हमारे चैनल की। और इसके अलावा ये सारी जो लिंक्स मैंने यहां दे रखी हैं, ये मैं नीचे यहां डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों को अपना ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिले। और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, कि क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं कि कैसे वीडियोस हैं, या कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप वो मुझे टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हैं, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप पे दे सकते हैं। ग्रुप की लिंक जरूर आपको नीचे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, क्योंकि व्हाट्सएप का ग्रुप मैं बहुत ही जल्दी खत्म करने जा रहा हूँ। व्हाट्सएप पे अब मैं आगे कोई भी, इवन ये नंबर ही मैं बंद कर दूंगा, जो व्हाट्सएप का नंबर अभी मेरा चालू है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।